हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह का टाइम है, यहाँ पे हम लोग का चाय वगैरह हो गया है। और मैंने महीने भर से ना मैंने रूम की डीप क्लीनिंग नहीं की। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि इधर इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है ना कि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मुझे फीवर आ गया था। तो आज ना बाबू के पापा का रेस्ट है, तो हमने कहा ना कि चलिए आज सफाई भी कर लेते हैं। और क्लीनिंग ब्लॉग के लिए ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाभी क्लीनिंग ब्लॉग करिए, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं हो पा रहा था। तो चलिए फाइनली आज डीप क्लीनिंग कर ही देते हैं। तो वीडियो पे बने रहिए और वीडियो के एंड तक देखिए, और देख रहे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, और अभी बाबू भी सो रहे हैं, अभी सुबह के 9 बज गए। हम लोग का चाय वगैरह हो गया है, और अभी सब काम करने के बाद ना मैं नहाने जाऊंगी, इसके बाद से नाश्ता होगा। तो देखिए मैंने झाड़ू लगा लिया है और अलमारी की पूरी सफाई करना है, और अच्छे से सफाई तो नीचे का नहीं हो पाया था, बस जो ऊपर का जो पिक्चर्स लगाए ना मैंने उसको भी बस साफ़ किया था, और इसके बाद से रूम को क्लीन किया। उसके बाद चली गई थी नहाने, बाबू भी सो ही रहे हैं, तो मैंने कहा कि चलो फटाक से कर लेते हैं। और ये थैला था ना, मैं अक्सर यही इसी से सफाई करती हूँ, क्योंकि ऐसे भी घर में पड़ा ही रहता है, फेंकना ही रहता है, तो क्यों नहीं इसकी मतलब यूज में आ जाए, तो इससे अच्छे से साफ़ हो जाता है किसी भी चीज़। आप लोग भी कभी सफाई करिएगा तो साफ़ करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ होता है। और किचन तो इतना अच्छे से साफ़ होता है, इससे मैं क्या बताऊँ। मिरर वगैरह मैं इसी से साफ़ करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे फटाक से मैं सफाई कर लेती हूँ। तो चलिए इन तक बने रहिए, देख रहे तो प्यार सा लाइक कर दीजिएगा। ओके, फ्रेंड्स अभी भी मेरी वॉइस अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि अभी अच्छे से ठीक नहीं हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, फीवर सा है, तो इसीलिए थोड़ा सा वॉइस अच्छा नहीं आ रहा है, इसलिए इग्नोर करिएगा। ओके, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, ये मतलब इसी वजह से ना 2-3 दिन ब्लॉग गैप हो जा रहा है, डेली का ब्लॉग नहीं हो पा रहा है। तो चलिए इंजॉय करिए, मैं म्यूजिक लगा दे रही हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने बताया ना अभी बाबू सो रहा था, तो अभी ये भी जग ही गया है, इसका रोना धोना अलग ही रहता है, तो आप लोगों ने देखा ही। तो अभी मैं बाबू को ना मम्मी जी के रूम में छोड़ के आई हूँ, थोड़ा देर टीवी देखेगा कुक्को मेलन, तब तक तो मैं फटाक से सफाई कर लेती हूँ, और मुझे अभी नहाने भी जाना है। और मैंने सोचा ना कि बेडशीट चेंज कर दूं, बट नहीं करूंगी, अभी 2-3 दिन और चलाऊंगी, क्योंकि जब से सर्दी आई है ना तब से मैं हफ्ते में एक दिन बेडशीट चेंज करती हूँ, तो गर्मी में तो हर 2 दिन पे चेंज ही कर देती हूँ, क्योंकि सूख ही नहीं पाता है, मोटा मोटा बेडशीट है। तो फ्रेंड्स मेरा झाड़ू लग गया था और इधर की सफाई हो गई, अब मैं लगा रही हूँ पोछा।
और मुझे दोबारा झाड़ू लगाना पड़ा ना कि बेडशीट मैंने चेंज किया, मतलब इसको झाड़ा तो इसमें चिप्स वगैरह बाबू खा के गिराया रहते हैं कुछ ना कुछ, इस वजह से फिर दोबारा लगाना पड़ा। और अभी बाबू को रोना धोना इनका चालू ही रहता है। अभी सुबह के टाइम जब सो के उठेगा ना, तो मतलब जब तक कुछ खाएगा नहीं पिएगा तब तक ये रोता ही रहेगा। तो अभी मैं फटाक से नहा के आऊँगी, इसके बाद से इसको देखूँगी, क्योंकि मैं गंदी हो गई हूँ इतना साफ सफाई करने के चक्कर में। तो नहाने के बाद ही मैं बाबू के पास आऊँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने नहा लिया था, नहाने के बाद मैंने पहनी है ग्रीन कलर की साड़ी, और इसको मैंने निकाला है ना, अभी बेड में नीचे रखी थी, निकाला है, अभी बाहर है ना, तो मैं इसी को बार बार पहन लेती हूँ, क्योंकि अभी बाहर में तो ऐसे तो सूटी वगैरह पहनती हूँ, बट कभी कभी मन करता है तो साड़ी पहन लेती हूँ। तो अभी क्या बेटा? मामा तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई थी किचन में, और अभी मुझे बनाना है रोटी, और नाश्ते में बनाना है आलू मेथी की सब्जी और रोटी, और अभी दोपहर में दाल चावल बनेगा। तो चलिए इन तक बने रहिए। फ्रेंड्स, ये है दोपहर की क्लिप, दोपहर के 1 बज रहे हैं, और नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैं चली गई थी छत पे बाबू के लेके, क्योंकि धूप हुआ था ना, थोड़ी देर धूप सेकने के लिए। बाबू को खांसी आ रहा है, इसको भी फीवर जैसा हो गया है, तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा धूप सेक लेगा। तो देखिए, आप मैंने दाल बिठा दिया था, दाल तो बन के रेडी हो गया है, और आप लोग सांभर कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बट मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, पहले सारी सब्जियाँ डाल के और दाल बैठा देते हैं, बट दाल बन गया है ना, तो मैं तड़का ऐसे लगा दे रही हूँ। देखिए, तड़के के लिए मैंने लिया है कढ़ी पत्ता, सूखी मिर्च और जीरा,
और तेज़पत्ता भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला था क्योंकि अभी मेरे पास नहीं था। और थोड़ा सा हींग डाला है, और यहाँ पे गाजर और ऑनियन काट के रखा था ना, तो मैंने डाल दिया था। ये अच्छे से भुना जाएगा तो इसमें डालूँगी टमाटर, और मतलब आप चाहें तो और सब्ज़ी भी ले सकते हैं। मैंने मटर, गोभी, गाजर ये सब डाल के बनाया था, और इमली को मैंने भिगा दिया इधर। तो देखिए सारी सब्जी मैं डाल के और मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर ले रही हूँ। इसमें मसाला वगैरह ऐड करूँगी और उसके पास से मैं दाल में डाल दूँगी। फ्रेंड्स मेरी दाल बन के रेडी हो गई है, और जो सब्ज़ी वगैरह मैंने अच्छे से फ्राई किया था ना एक बार दाल में डाल के, उसको अच्छे से मिक्स होने के लिए एक सीटी और लगा दे रही हूँ। तब तक मैं चावल वगैरह यहाँ निकाल के चावल धुल ले रही हूँ, और जैसे ही मैं दाल निकालूँगी इसके पास से चावल भी बिठा दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं सीटी निकाल ले रही हूँ चावल बिठाने के लिए। तो फ्रेंड्स मेरा दाल बनके रेडी हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने धनिया भी डाल दिया है, और अभी मैंने चावल बिठा दिया है और चावल भी बन जाएगा। इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, तो आप लोग भी खाना खा लीजिएगा। और चलिए वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि इसके बाद मैंने कोई वीडियो क्लिप नहीं लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।